हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ आज मॉर्निंग 6 बजे से। नहा धो के रेडी हो गए। आज सातवां सोमवार है और पूजा की थाली भी मैंने रेडी कर ली। और अंशु तो सोया है और खुशा और मैं मंदिर में पूजा करके आ जाएंगे। तो हम लोग रेडी हो गए मंदिर जाने के लिए। अब जाते हैं मंदिर। गए मंदिर से पूजा करके आ गए हैं। सुबह सुबह भीड़ भी नहीं रहती, बहुत कम जने रहते हैं, एक दो जने, तो अच्छे से पूजा हो जाती। खुशा स्कूल जाती है तो इसीलिए मैं सोचती हूँ साथ में इसकी भी पूजा हो जाएगी, मैं भी करूँगी हूँ करके, हम जल्दी पूजा करके आ जाए। बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती, जैसे रेगुलर में जल चढ़ाने जाती हूँ तो जल भी चढ़ाने के लिए मतलब 5-10 मिनट वेट करना पड़ता है, इतनी भीड़ रहती है। पूरी बटालियन के बाहर के सब आते हैं तो इसीलिए हम सुबह सुबह चले जाते हैं। और हम लोग आके पूजा कर लिए। ये तो सोया है, अब उठेगा फिर नहाएगा। अंशु उठ जाओ बेटा, सारा घर क्लीन हो गया, बस ये बेडशीट मैंने इधर हवन कर रखा ना इसलिए। मच्छरदानी खोलो, अब बेडशीट बाहर झाड़नी है। अब लड़ाई चालू हो जाएगी क्या सुबह सुबह? आपको मंदिर भी जाना, 7 बज गया, चलो चलो तो उठो। मम्मी सवा सात में हो जाएगा, 7:30 का भी नहीं, 7:30 बुलाएगा। टिफिन में क्या ले जा रहे हो आज? मैगी खत्म हो गई, बिस्किट खत्म हो गए। कल मैं कैंटीन गई तो कैंटीन बंद थी। पौने आठ बजे तक चल उड़ जा, तेरे तो ऐसे ड्रामा रहते। मैं टिफिन बना देती हूँ जरा, नहा ले, अच्छा रहता। कितनी अच्छी खुशबू आती, होम करते थे। खुशबू होती है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। चल चल उठ, ब्रश व्रश का सही हो जाएगा। गैस किचन में आ गई हूँ और मैंने पूड़ी भी बना ली और सब्जी आलू की सूखी। ये पूड़ी बना दी इसके लिए और ये सूखी सब्जी। अरे पर्सनली सिर्फ मेरे लिए, खुशी में खाऊंगा। ऐसे दिन बार बार तो मिलता है नहीं। अभी रेडी हो गया हूँ। तू भी उपवास रखते था बोले थी दीदी तो देर 4 घंटे से ज्यादा। आज तक मैंने 4 घंटे तक उपवास रखा है सिर्फ, उसके बाद ऑटोमेटिक टूट गया। हाँ तो आज तो पूरी खाएगा दिन में पूरी। मैं तो इसको रात तक चला लूँ, बहुत पूरी है ये, अभी टिफिन में रख देती हूँ। गाइस बच्चे चले गए स्कूल और मेरा सारा काम हो गया मॉर्निंग का, जो भी काम रहता है, क्योंकि 5 बजे से उठ गए थे तो सारा काम हो गया है। व्रत के दिन यही रहता है, जल्दी काम हो जाता है। और मिस्टर जी यहाँ रहते, फिर भी थोड़ा बहुत काम रहता है। वो क्या 11 बजे ऑफिस जाते हैं, तो अभी मिस्टर जी भी आए नहीं हैं गांव से। तो बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आज 3 दिन हो गए बारिश को लगी हुई, बहुत तेज़ी हो रखी है। बड़ा गंदा सा मौसम हो गया है क्योंकि 3 दिन से धूप आई नहीं है। ठीक है, बारिश भी ज़रूरी है तो लगने देते बारिश को भी। मैं भी अभी बैठी हूँ। वैसे 2 लौकी निकाली मैंने फ्रीज से, आज मैं इनका हलवा बनाऊंगी। बच्चे बोले थे मम्मा लौकी का हलवा बना देना, तो ये बना लेती हूँ। कैसे हलवा बनने के लिए रख दिया मैंने, खोआ तो है नहीं, दूध ही डाल दिया मैंने और ताजी मलाई थी वो डाल दी इसमें। अब ये कम फ्लेम में अपने आप बनता है। हलवा बन के हो गया रेडी, ऐसे थिक थिक बना लिया पूरा, अच्छा लगता है ऐसे। कैसे रेडी हो गए हैं, आज हमारे यहाँ से शिव मंदिर से कांवड़ यात्रा जा रही है तो हम लोग उसमें जाएंगे। खुशा तो खैर घर पे रह रही, अंशु चला गया, उसने आज कोचिंग की छुट्टी कर ली, इसके क्या टेस्ट हैं तो इसलिए ये घर पे रहेगी और इसके बाद कोचिंग चले जाएगी। अभी 4 बजे हम लोग जाते हैं मंदिर, मंदिर से कांवड़ यात्रा निकलेगी, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, फिर वापस आके भोलेनाथ जी को जल चढ़ाएंगे। तो वहाँ के लिए रेडी हो गए हम लोग, अब चलते हैं। बाय बिट्टू, ये ले लिए कांवड़ भर की, यही चढ़ाएंगे आज भोलेनाथ जी को, मंदिर से ही भरेंगे और फिर वहीं चढ़ाएंगे भोलेनाथ जी को। कांवड़ भर लिए हम लोग और आगे निकल गई है यात्रा। तो
गाइस पहुंच चुके हैं घर पे, जल चढ़ा के घर आते हैं लड्डू खाने। वहां इसका पता ही नहीं मिला बिल्कुल भी, थोड़ी देर वीडियो बना रहा था अभी नहीं आ रहा था। हाँ मैंने कहा जल चढ़ा लेगा साथ में, पर ये आया ही नहीं, बाहर ही रह गया। मैंने उसको भेजा भी, ये क्या नाम उसका, सिब्बू को अब थोड़ा बहुत जल और लेके आई हूँ अपने घर के भगवान जी पे चढ़ा देती हूँ। घर आके चेंज वेंज करके मैंने खाना बना लिया है, और खुशा भी आ गई कोचिंग से। अंशु तो अभी खेलने गया है, अभी आया नहीं है। खाना बना के रख दिया जस्ट, मैंने रोटियाँ भी सेक ली, और अब मैं पूजा कर लूँगी फिर खाएंगे खाना। खाना भी हो गया हम लोगों का, खाना खा के ये सोने की एक्टिंग मत करो, पढ़ाई करो अभी, ठीक है? ओए ओए ऐसे काम मत करो बेटा, पढ़ाई भी करनी पड़ती है। आज कोचिंग की भी छुट्टी मार ली इसने, फट से ऐसे तैयार हो गया। वहां से आने के बाद बोला इससे अच्छा कोचिंग ही चला जाता, सही रहता। उस दिन तो, इस दिन तो मारूंगा छुट्टी। किस दिन? लास्ट सोमवार को। हाँ छुट्टियां ही मारते रहो तुम। अब जब तक कोचिंग है 2 महीने होने वाले, एक दिन छुट्टी मारी थी। कावड़ यात्रा में फर्स्ट टाइम गई मैं भी, बहुत अच्छा लगा। फ्राइडे को, हाँ काफी अच्छा लगा आज, और मौसम भी क्या अच्छा हुआ था, गर्मी भी नहीं हुई थी ज्यादा। पिछले बार तो इतनी गर्मी थी बहुत ज्यादा, इस बार काफी अच्छा मौसम हुआ था। और ब्लॉग को भी यहीं तक ही रखते, ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते जल्दी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।